आपका क्वेश्चन है फैक्टराइज, क्या दिया है, ए टू द पावर ऑफ 4 माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी टू द पावर ऑफ 4। ना तो इसके अंदर हम पहले इसको चेक करते हैं, तो ये देखो परफेक्ट स्क्वायर है किसका, ए स्क्वायर का, तो वी कैन राइट ए स्क्वायर एंड इसका भी स्क्वायर, ठीक है। और सेंटर में ये दिया है आपका माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस, ना बी टू द पावर ऑफ 4 किसका स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर बी स्क्वायर का, तो वी विल राइट बी स्क्वायर एंड इसका भी स्क्वायर। अब इसमें देखो आपकी कोई आइडेंटिटी है क्या, सपोज हमने इसको ले लिया एक्स, ए स्क्वायर को एक्स ले लिया और बी स्क्वायर को हमने ले लिया वाई, तो ये देखो कौन से फॉर्म में होगा, तो इट इज इन द फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, तो दैट मीन्स इट इज इन द फॉर्म ऑफ ए सॉरी एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर इन दिस फॉर्म, ठीक है। तो पहले हम इसको लिखते हैं, देखो क्या हो गया आपका ए स्क्वायर, तो ये देखो आपका सेम फॉर्म में है ना, सेम फॉर्म में है, तो दैट मीन्स दैट इज इन दिस फॉर्म, तो ये आपको क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड इसका भी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू क्या होता है आपका, सेम दो बार लिख दो, क्या है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो दीज आर योर फैक्टर्स, ठीक है।